और बुलेटिन में आज हम बात करेंगे आईपीएल का घाड़े में आज होने वाले डबल दंगल की। आपको बताएंगे कि कैसे क्रिकेट इतिहास में कल का दिन स्पेशल बन गया, लेकिन शुरुआत लायंस की दहाड़ से जिसने रैना के चेहरे की मुस्कान लौटा दी। पिछले सीजन टॉप पर रहने वाली गुजरात लायंस ने किस तरह से पुणे के सुपर जायंट्स के खिलाफ दहाड़ लगाई, ये हम आपको दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी से जो हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ इस पर राय लेंगे अपने सहयोगी, दो खास सहयोगी हमारे साथ शैली और सूर्यांशी मौजूद हैं, बड़ी क्रिकेट फैंस भी हैं और किस टीम को सपोर्ट कर रही थी और आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। गुजरात ने पुणे को किया पस, लायंस ने लगाई जीत की दहाड़, माही ने फिर किया निराश, टाई ने जीता दिल। राजकोट में लायंस ऐसे दहाड़े के पुणे के पलटन को संभलने का मौका नहीं मिला। रैना के रणवीरों ने आईपीएल 10 में पहली जीत हासिल की। धोनी ने 8 गेंद का सामना करते हुए सिर्फ 5 रन जोड़े। जवाब में गुजरात लायंस को ड्वेन स्मिथ और मैकलम ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और पुणे के गेंदबाजों की हालत खस्ता कर दी। गुजरात लायंस ने पुणे को 7 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने इस सीजन में पहली जीत हासिल की, जबकि पुणे की इस सीजन की यह तीसरी हार है। तो हार की हैट्रिक हो गई यहां पर, कल दो दो हैट्रिक वैसे भी हुई थी गेंदबाजी में, लेकिन यहां हार की हैट्रिक और इसे उबरना होगा बहुत जल्द पुणे सुपर जायंट्स को। अमित भंडारी जी, आपसे जाना चाहेंगे किस तरह से ये मैच, बहुत लंबा सफर कहा जा रहा है, लेकिन आप तीन तीन मैच नहीं हार सकते लगातार। ये एक टीम ने तो तीन मैच हारने थे, गुजरात ने हारने थे, पुणे ने हारने थे, तो ये किस्मत पुणे की थी जो तीन मैच हारी है और गुजरात को पहला मैच जीती, और दोनों 7-8 नंबर पर, ज्यादा फर्क नहीं है, पर एक फर्क है पुणे 4 मैच खेले, गुजरात 3 खेली है। हार में ये इन दोनों में सबसे नीचे रहने की जंग थी पहले से। देखिए, मैं एक चीज मैंने आईपीएल में पिछले 9 साल में देखी, जो नीचे की टीम होती है ना, एक ऊपर जरूर आती है या नीचे ही नीचे रह जाएगी। पिछली बार तो गुजरात लायंस ऊपर आई थी। कोई भी दोनों में से कोई जिस टीम को अगर ऊपर आना है, अगले जो 10 मैच बचे हैं उनमें से 8 या 7 मैच जीतने होंगे तो ही ऊपर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये आप टॉप 2 की नहीं सोचेंगे, टॉप 4 में आने की सोचेंगे, कैसे आए वो तभी डिपेंड करेगा आपका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। सब मुंबई वालों से क्लू ले रहे हैं क्या कि स्लो स्टार्टर्स जो होते हैं वो फिर फाइनल में पहुंच जाते हैं। देखिए, पुणे तो लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, पहले मैच मुंबई से जीते उसके बाद हार ही नजर आई थी, अभी भी वो सेम चीज चल रही है, पर डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन। मैंने 4 मैच में देखा कि अभी तक पुणे का कॉम्बिनेशन नहीं बना। अब बॉलिंग में देखो, कभी वो रजत भाटिया को खिलाते हैं, कभी राहुल चार को खिलाते हैं, कभी आप डिंडा को खिलाते हैं, कभी आपने कल शार्दुल ठाकुर खिलाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन 11 का नहीं बन पा रहा, और कॉम्बिनेशन खाली बॉलिंग का नहीं बन पा रहा, बैटिंग ऑर्डर उनका सेम है। और अगला क्वेश्चन मुझे आने वाला, धोनी पे आने वाला, मुझे मालूम है उसके बारे में आएंगे लेकिन सूर्यांश जी, आप तो सपोर्ट कर रहे थे शायद धोनी की टीम को। हाँ, स्मिथ की टीम अभी भी नहीं कह रहे हैं लोग, धोनी की टीम ही कह रहे हैं, फिर भी आ रही है। अमित जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, यही बात हो रही थी कि होता क्या है कि हम लोग को लगा कि पिछले सीजन में भले ही गुजरात लायंस ने अच्छा किया था, पर हम वो भी बात को याद रख रहे थे कि कैसे वो 10 विकेट से, मतलब केकेआर के अगेंस्ट वो जो हारे थे, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि गुजरात लायंस के साथ मुझे नहीं रहना चाहिए, अगेंस्ट रहना चाहिए। हालांकि शेर की दहाड़ सुनने को, आंकड़े देखकर ही आप पाला बदलती रही है यहां पर। वैसे कल मैंने भी राइजिंग पुणे को सपोर्ट किया था, पर गुजरात लायंस ने अपनी दहाड़ से प्रूव कर दिया कि जैसे इन्होंने कहा कि जो भी टीम नीचे चल रही होती है एक ना एक दिन ऊपर आती है, और कल प्लेयर्स पूरे फॉर्म में थे, मैकलम की बात कर लो, स्मिथ की बात कर लो, 7 विकेट से हराया उन लोगों के रहते हुए आपने क्यों सपोर्ट किया पुणे नहीं, पर कहते हैं ना आईपीएल में जीत हार तो लगी ही रहती है, लगी रहती है, और कम से कम धोनी को सपोर्ट तो करो वो आगे आ जाए। एक बात है मैं आपसे बोलना चाहूंगी करुण, कि ये जो सर ने बात करी कॉम्बिनेशन की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप ओपनर देखिए, पहले रॉय और मैकुलम को खिलाते थे गुजरात लाइन, 2 बारी उन्होंने उन्हीं को खिलाया, एक बारी वो सफल भी रहे और सफल नहीं भी रहे, क्योंकि मैकुलम ने 35 बनाए, फिर नेक्स्ट में उन्होंने 5 ही रन बनाए और रॉय उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, बट आज जब उन्होंने कल जब उन्होंने डोन स्मिथ के साथ मैकुलम को खड़ा किया एज एन ओपनर, तो लगातार एक चीज करूं मैंने देखी है, जब भी आईपीएल के जो फ्रेंचाइजी जो वो पिक करते हैं ना, वो करंट फॉर्म पे पिक करते हैं, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस भूल जाते हैं। लास्ट ईयर यही स्मिथ और मैकलम जब परफॉर्म कर रहे तो टीम टॉप 4 में आई थी। आपने जब पहला मैच आया आपने रॉयल से ओपन करा दिया, स्मिथ को पीछे कर दिया, तो ये चीजें मैटर करती है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन जब आप छेड़ते हो ना तो वो खराब होता है। कॉम्बिनेशन तो एक बात है ही है, लेकिन क्या यहाँ ये भी वजह हो सकती है कि आपने सबके खिलाफ तो रणनीति बना ली, मैं पुणे सुपर जायंट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन एंड्रू टाई ये बीच में आ गए, डेब्यू करने वाले, ये इनके चेहरे पे कैसे आ गए कि हम तो टाई के बारे में हमने भी नहीं सोचा था। देखिए क्या होता है कि 2 मैच जब हारे तो इंडियन बॉलर से खेल रहे थे और फॉरेन बैट्समैन से खेल रहे थे, कल इन्होंने एक प्लेयर रॉय को बाहर बैठा के टाई को खिलाया, कल ये भी देख लो एक टीम के प्लेयर ने हैट्रिक ली वो टीम जीती, एक टीम के हैट्रिक ली एक टीम हारी, तो ये चीजें भी देखने को मिली है, और एक दिन में 2 हैट्रिक भी हुई है, पर वही कॉम्बिनेशन की बात है कि आपको किस विकेट पे क्या खिलाना है। अगर हम देखें गुजरात लायंस का,
कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज दिखाई, जो ईशान किशन प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक, उसको आपने पहले बार नहीं होता तो एंड्रू टाई को नहीं खिलाते क्या? नहीं, एंड्रू टाई को खिलाना पड़ता तो खिला नहीं था, मजबूरी थी। आपकी इंडियन बॉलिंग फ्लॉप होगी, क्योंकि आपके अगर बॉलिंग देखे, आपने स्पिनर्स भी खिलाए, आपने लास्ट मैच में लेग स्पिनर तेजस बरोका को भी ट्राई किया, आपने कौशिक को भी ट्राई किया, आपने कल दो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी, जडेजा भी टीम में आ गए, तो कई चीजें फेवर में भी आई थी। फॉकनर और एंड्रू में से एंड्रू को भेजने वाला दाव आई थिंक बहुत सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल बहुत, 5 विकेट 17 रन आईपीएल का बेस्ट डेब्यू। ऑस्ट्रेलिया के लिए पिक हो जाएंगे अब जल्दी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया के अच्छे प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलेंगे, आईपीएल के अच्छे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। वार्नर भी यहीं से अपने, एक ना माइकल क्लार्क आपको याद है, उन्होंने छोड़ दिया था कि मैं आईपीएल नहीं खेलता। देखिए हर प्लेयर का एक, अगर आप देखें वनडे और 2020 ऐसी टीम हो गई है जहां से आप पिक करते हैं, क्योंकि आईपीएल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है वर्ल्ड के अंदर कि लोग खेलने आना चाहते हैं। अफगानिस्तान की टीम देखो, दो प्लेयर पिक हुए, तो ये चीज देखिए ना कि क्रिकेट कहां तक जा रही है। तो एक ये चीज आईपीएल दर्शाता है कि आप एक छोटी से छोटी टीम भी आईपीएल खेलना चाहती है। चलिए, छोटी सी छोटी टीम भी आईपीएल खेलना चाहती है और छोटे से छोटे खिलाड़ी भी आईपीएल खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां परफॉर्म किया तो बड़े खिलाड़ी में तब्दील होते बदलते देर नहीं लगने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीएल में आज जो मुकाबले हो रहे हैं, और आज दूसरा मुकाबला जो 8 बजे से शुरू होने वाला है, इसमें पंजाब के किंग्स का सामना दिल्ली के डेयरडेविल्स से है। और मैं थोड़ा सा टी शर्ट और कर सकता हूँ, दिल्ली डेयरडेविल्स का फेवरेट कर रहा हूँ मैं जी। आपके टी शर्ट में लिखा हुआ है कि वो सपोर्टिंग दिल्ली डेयरडेविल्स, दिल्ली में है और शुरू से करते हैं भाई, अच्छा खेलना है उसे कोटला में। आज कौन बनेगा किंग और दिल्ली के इस दंगल में कौन किस पर भारी पड़ सकता है, फिलहाल आपको समीकरण दिखाते हैं और फिर चर्चा करेंगे क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ मैं दिल्ली को। आईपीएल 10 में दिल्ली को 2 में से 1 मैच में जीत मिली है, वहीं पंजाब को 3 में से 2 मैच में जीत हासिल हुई है। लेकिन दिल्ली ने पुणे के खिलाफ पिछले मैच में 97 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी, तो वहीं किंग्स 11 पंजाब को पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ 8 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा था। क्रिस मॉरिस ने पुणे के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों पर 38 रन बनाए थे, वहीं सैमसन ने 63 गेंद पर शानदार 102 रनों की पारी खेली थी, वहीं ऋषभ पंत ने 2 मैचों में 88 रन बनाए हैं। दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि कप्तान जहीर खान की अगुवाई में उसके गेंदबाज लय में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कप्तान जहीर खान ने इस सीजन खेले 2 मैचों में 5 विकेट चटकाए हैं, वहीं मॉरिस ने 4 विकेट लिए हैं, जबकि कमिंस और मिश्रा ने 3-3 विकेट चटकाए हैं। मैक्सवेल ने इस सीजन 200 की स्ट्राइक रेट और 112 की औसत से 112 रन बनाए हैं, वहीं अमला ने 55.5 की औसत से 111 रन बनाए हैं, जबकि डेविड मिलर ने 58 की औसत से 58 रन बनाए हैं। तो एक दमदार मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन बैलेंस टीम दिल्ली के जरूर कही जा सकती है। अमित भंडारी जी, आप सहमत हैं? देखिए, पहला होम मैच खेल रहे हैं और विकेट कैसे बिहेव करेगा, सबसे बड़ी चुनौती ये है दिल्ली के लिए, क्योंकि इतने टाइम पर मैच आप खेल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, सबके 2 या 3 मैच हो चुके हैं। कोटला पे आप भी बहुत खेले हो। देखिए, कोटला के विकेट ना चेंज होती रहती है, जैसे कहते हैं ना कलर चेंज होता है, तो यहाँ का भी कलर पता नहीं होता कैसा चलेगा, रंग बदलती है विकेट बहुत, क्योंकि यहाँ ना बाउंस का नहीं पता, क्योंकि कई बार नीचे रहता है कई बार ऊपर, कैसा विकेट क्रिएटर बनाता है वो बड़ा डिपेंड करता है। टॉस में इस विकेट पर क्रूशियली कहूंगा, क्योंकि यहाँ जो टॉस जीतेगा फील्डिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि पहले बैटिंग करें। आप तो रणजी टीम के कोच है ना, तो आपके हिसाब से पिच किसको फेवर करेगी? देखिए, एक बीसीसीआई ने एक रूल निकाल दिया, इस साल एक भी मैच हमें दिल्ली में नहीं खेलने दिया, साल मैच दिल्ली से बाहर खेला है, तो मैंने जितने भी खेला, क्योंकि जब से यहाँ विकेट चेंज हुआ ना करूँ, यहाँ का विकेट का पता नहीं चलता, कई बार आपको ऐसा लगता है 200 रन चेंज हो जाएंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि 150 रन भी चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पर ऐसा प्लेयर पिक करना पड़ेगा जो इस कंडीशन के हिसाब से खेले, ना कि आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से। आप लोग किस खिलाड़ी को पिक कर रहे हैं? जी, मैं तो संजू सैमसन को, पिछली बार उन्होंने 102 रन बनाए हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं, यंग टैलेंट हैं। यही दबाव आप लोग डाल देती है कि पिछले में शतक बना दिया, आप फिर से उसी के ऊपर कर दो, किसी दूसरे खिलाड़ी को आप देखिए, क्रिस मॉरिस को आप देखिए, ये मैं वही कह रही हूं, अगर संजू सैमसन के साथ है तो मैं क्रिस मॉरिस के साथ हूं, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने 38 रन बनाए थे 9 बॉलों में, विच इज लाइक अ मैजिक। मतलब आप फिर से कह रहे हैं कि भाई आप 10 मत छूना, उससे पहले ही आप हाफ सेंचुरी बना लेना। देखिए, इस विकेट पे ऐसा प्लेयर पिक होना चाहिए जो टेक्निक वाइज अच्छा हो, मैं करुण नायक को पिक करूंगा, क्योंकि वो इस विकेट में मुझे लगता है सूट करेगा, जो रन बना सकता है बीच में, बल्ला तो ज्यादा, मैं तभी कह रहा हूं जिसका नहीं चलता वो राइट मूवमेंट में चलना चाहिए। चलिए, आप सब यहां पर आए, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यह खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।